शहर के प्रतिष्ठित क्राइस्ट स्कूल में एक बच्चे को सिर्फ इस बात पर 4 पीरियड तक जमीन पर बैठने की सजा दी गई क्योंकि उसने स्कूल में राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोला था। इसके बाद वहां पास ही खड़े एक सर ने बच्चे का कॉलर पकड़कर प्रेयर के लाइन से बाहर निकालकर 4 पीरियड तक जमीन पर बैठाए रखा। इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समय रहते स्कूल माफी मांगे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई होगी। विषय जब संज्ञान में आया था तो मैंने प्रशासन के अधिकारियों से बात की थी। अभी उन्होंने मुझे बताया कि FIR हुई है 323 526 34 में IPC की धारा जो होती है उसमें FIR हो गई है। किशोर अधिनियम में ये जो केस दर्ज हुआ है जस्मीन खातून और जस्टिल शिक्षक हैं इनके ऊपर है, इन दोनों पे आरोप है उसका। बाकी अब विवेचना में उसको ले लिया है, पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बाद में वैसे जानकारी में मेरे आया है कि माफी उन्होंने मांग ली है। रात के समय शहर में गुंडे बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान कैफे और कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और राहगीरों को हथियार दिखाकर दहशत का माहौल बना दिया था। खबर मिलने पर पुलिस ने तत्काल चारों बदमाशों को पकड़कर क्षेत्र में जुलूस निकाला और उठक बैठक लगवाई। उसके बाद चारों बदमाश लोगों से माफी मांगते हुए नजर आए। पुलिस के अनुसार गुंडे बदमाशों के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। शहर का अमन चैन खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई रहेगी। मध्य प्रदेश में शराब को लेकर दिन ब दिन सियासत तेज होती जा रही है। इसे लेकर विरोध की आवाजें विपक्षी कांग्रेसी पार्टी की बजाय खुद BJP खेमे से आ रही हैं। पहले से ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तो राज्य में पूर्ण शराबबंदी की पक्षधर रही हैं। अब जबलपुर से BJP के विधायक अजय बिश्नोई भी गांव-गांव शराब बिकने का आरोप मढ़ रहे हैं और इसे तुरंत बंद करवाने की मांग सरकार से की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इच्छा शक्ति दिखाए और एक आदेश से गांव-गांव में बिकने वाली शराब पर रोक लगाए। और जब शराब बहुतायत में उपलब्ध हो जाए, हर गली कूचे में मिलने लग जाए, हर गांव के अंदर मिलने लग जाए, सहजता से उपलब्ध होती है तो आदमी उसका उपयोग भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतना ही बर्बाद होता है, छोटे बच्चे बर्बाद होते हैं। इस चीज़ के खिलाफ मैंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है और मेरा ये लड़ाई का मुद्दा है और न सिर्फ लड़ाई का मुद्दा है, अगला राजनीतिक चुनाव के लिए भी मेरे को लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के कारण भारतीय जनता पार्टी सहज रूप से हर एक पोलिंग बूथ में 100 वोट बढ़ा सकती है और अगला 2023 का चुनाव सरलता से जीत सकती है। जनपद पंचायत CEO डिप्टी कलेक्टर करुण डहरिया को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ACB की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को ACB रायपुर की टीम गरियाबंद जनपद पंचायत कार्यालय पहुंची जहां डिप्टी कलेक्टर को बोरवेल के बिल पास कराने की एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ग्राम पंचायत चिखली मालगांव और मजरकटा में 15वें वित्त से 4 बोरवेल खनन के लिए पहली किस्त 3 लाख निकलवाना था। इसके लिए 20,000 रुपए की मांग करुण डहरिया ने की थी। कांग्रेस नेता शफीक खान से जनपद पंचायत CEO करुण डहरिया ने 30 अक्टूबर से ये रकम मांगी थी। इंसानों की बोली की हूबहू नकल करने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की आवाज एक समय बस्तर में हर जगह गूंजा करती थी, लेकिन अब शहर तो छोड़े जंगल में भी मैना की आवाज सुनना काफी मुश्किल हो गया है, जिसको देखते हुए अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ी द्वारा मैना की वंश वृद्धि व संवर्धन के लिए मैना की टैगिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये टैगिंग GPS से लैस होगा, जिसके बाद जिन जिन मैना के पैरों में GPS लगेगा उन मैना की मॉनिटरिंग विभाग के अधिकारी करेंगे और ये काम नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। शहर में टॉय क्लस्टर की जमीन के आवंटन को लेकर पैदा हुए विवाद को लेकर प्रदेश में MSMI मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा को सफाई देनी पड़ गई। स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टॉय क्लस्टर की जमीन आवंटन का फैसला जो भी लिया गया है वो CM शिवराज ने सभी मंत्रियों की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक में लिया गया था, जिसमें सभी नियमों के तहत जमीन का आवंटन किया गया है। जो भी आरोप लग रहे हैं सब निराधार हैं। अफ्रीका से लगभग 850 साल पहले भारत आए अफ्रीकी मूल के सिद्धी जनजाति के राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य समारोह के आखिरी दिन अपनी कला का प्रदर्शन किया
और अपने नृत्य से व्यक्त किया कि उनकी संस्कृति अफ्रीकी हो सकती है लेकिन दिल भारतीय है। गौरतलब है कि सिद्धी समुदाय का संबंध मूल रूप से उप सहारा अफ्रीका के बंटू जनजाति से था जो अब भारत की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। सरकार भले ही दावा करती रहे कि प्रदेश में लंपी वायरस का कहर थम गया है लेकिन हकीकत में स्थिति इसके उलट है। अभी भी काफी संख्या में गाय लंपी वायरस से पीड़ित है जबकि सरकारी स्तर पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। आइसोलेशन सेंटर में छांव तक का इंतजाम नहीं है। गायों को खुले में ही रात गुजारनी पड़ रही है जबकि इन दिनों रात का तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। वहीं लंपी संक्रमित होने के बाद सबसे पहले पीड़ित गाय को बुखार आता है जो निमोनिया बन जाता है। ऐसे में सर्दी भी उनकी मौत की वजह बन रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में फिर बारिश होगी। बारिश के दो नए सिस्टम बन रहे हैं जो ग्वालियर चंबल के साथ ही भोपाल इंदौर में भी बारिश करवा सकते हैं। मौसम बदलने से दिन के तापमान में भी गिरावट आई है। प्रदेश के कुछ जिलों में अगले हफ्ते तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालय से ठंडी हवाएं आने की वजह से तापमान में गिरावट आई है और दिन रात के तापमान में मामूली गिरावट अगले एक हफ्ते तक इसी तरह जारी रहेगी। 8 नवंबर को प्रदेश के ग्वालियर चंबल में हल्की से मध्यम बारिश होगी जिसका सबसे ज्यादा असर ग्वालियर में देखा जाएगा। यहाँ आधा इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर और भोपाल तक बादल छा सकते हैं। दो दिन तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी रहेगी उसके बाद फिर तापमान में गिरावट आएगी।